मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये हमारे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, तो घर बैठे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपका पढ़ाई का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ठीक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही स्टोरी है, तो आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। मतलब ये क्या है, इस टॉपिक में है क्या, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, ओके। आपके पास यहाँ पर दो पर्सन हम रहते हैं, एक राम और दूसरा श्याम। राम का एक किराना शॉप है जो कहीं एक एरिया में वो चलाता है, और जिस एरिया में चलाता है उसका एक अच्छा खासा शॉप है वहाँ पर। तो उस एरिया में एक पर्सन रहने के लिए आता है जिसका नाम है श्याम। अब श्याम शादीशुदा है, फैमिली वाला है, तो डेफिनेटली उसे भी घर की ज़रूरतें के लिए जो भी सामान खरीदी करना रहेगा वो तो कोई दूसरी जगह जाएगा नहीं, उसी राम के शॉप में चला जाएगा। तो श्याम उस एरिया में रहने आता है, ये श्याम भी उस राम की दुकान पे जाता है, पैसा देता है और अपना सामान परचेस करता है। ऐसा रूटीन था, हर दो चार दिन के बाद अगर श्याम को कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो श्याम जाता था राम की शॉप पर, पैसा देता था और अपना गुड्स परचेस कर लेता था। ऐसा धीरे 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 बहुत सारा टाइम चला गया, एक साल हो गया, रूटीन परचेसिंग था तो रूटीन सेल भी था। तो यहाँ पे ये राम जो है ये है एक सेलर, मतलब जो शॉप चला रहा है राम, ये एक हो गया सेलर, तो डेफिनेटली श्याम ये हो गया आपका परचेसर। तो श्याम राम की तरफ से गुड्स परचेस करता था और जैसे पैसे आए मतलब पैसे तो तुरंत दे रहा था, बट जैसे जैसे धीरे 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 ये दुकान पे जाते 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 उनका एक रिलेशन क्रिएट हो गया। तो श्याम राम की शॉप से कुछ नॉमिनल अमाउंट का उधारी में भी परचेस करने लगा, कुछ आज परचेस करता था और एक दो तीन दिन के बाद पैसा उसे रिटर्न देता। सिंपल, मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले जो होता था कैश ट्रांजैक्शन था, अब ये होने लगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आज माल लेगा और दो तीन दिन के बाद वो पैसा दे देगा। तो शाम के यहाँ पर शाम ने एक दिन एक पूजा रखी, सत्यनारायण की पूजा, बड़ी पूजा थी, तो डेफिनेटली पूजा रखेगा तो लोग आएंगे। तो शाम ने ऐसे सोचा कि हम लोगों को खाने के लिए इनवाइट करते हैं। उसने लगभग 100-150 लोगों को इनवाइट किया होगा, तो डेफिनेटली उतने लोगों के लिए उसको उतना किराना सामान भी परचेस करना रहेगा। और शाम एक सैलरीड पर्सन था, मतलब उसको सैलरी मिलती थी, वो कहीं पे जॉब पे था, तो उसके पास आज इतना सारा पैसा नहीं था जिससे वो इतना सारा सामान कैश में परचेस कर सके। तो श्याम ने राम को रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर में एक पूजा करनी है और मैंने लगभग 150 लोगों को खाने के लिए बुलाया है, तो मुझे इन सब के लिए मेरे पास मुझे जो माल परचेस करना है उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो फिलहाल आप मुझे ये उधार में दीजिए, जिसमें पहले आपका पैसे देते रहता था दो तीन दिन में, बट ये मुझे एक 2 महीने की उधारी पे चाहिए, मैं आपको इसका पैसा 2 महीने के बाद। राम बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि राम और श्याम एक अच्छे फ्रेंड जैसे हो गए थे और श्याम रेगुलरली यहाँ पर शॉप पर आता था। राम ने बोला ठीक है, तो राम ने श्याम को जो भी सामान की रिक्वायरमेंट थी वो दे दी।
डेफिनेटली उसने राम को भी इनवाइट किया था घर पर। तो शाम की यहाँ पे पूजा हो गई, लोग आए, खाना खाए, सब अच्छे से हो गया, सब खुश थे। शाम भी खुश, राम भी खुश, और शाम के घर पे आने वाले वो 150 पर्सन जो थे खाना खाने के लिए आए थे वो भी खुश हो गए और एक अच्छा कार्यक्रम उनका कंप्लीट हो गया। सब खुश थे। एक महीना हो गया, दूसरा महीना भी खत्म हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे शाम का राम को पैसे देने का जो वायदा किया गया था 2 महीने का, वो 2 महीने आज कंप्लीट हो गए। सो डेफिनेटली शाम खुद होके राम के पास जाना और राम को पैसे देना, ये हमें एक्सपेक्ट है। बट शाम के पास आज भी उतना पैसा नहीं है, तो शाम राम की शॉप पे गया नहीं, 8 दिन ऊपर हो गए। तो डेफिनेटली राम ने उसे कॉल किया और बोला कि शाम आपने बोला था कि मैं 2 महीने के बाद आपको उस उधारे के 10,000 रुपये दूंगा, 2 महीने खत्म हो गए थे, 8 दिन ऊपर हो गए, तो अब मेरा पैसा आप दे दीजिए। शाम बोला हाँ हाँ, मैं अभी जस्ट 2-4-8 दिन में आपको पैसे दे देता हूँ। 2-4-8 दिन मतलब ज़्यादा कोई टाइम नहीं था। राम बोला ठीक है, अब जल्दी से जल्दी अपना पैसा दे, क्योंकि दोनों में गहरी फ्रेंडशिप हो गई थी। राम ने उसे अलाउ कर दिया। शाम बोला ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूँगा। और 8 दिन हो गया, 8 दिन के ऊपर 8 दिन हो गए। इसे करते करते राम उसे कॉल करता था, शाम उसे कुछ ना कुछ बोल के थोड़ा सा टाइम और लगता था। इसे करते करते 3 महीने कंप्लीट हो गए। अब राम ने उसे बार बार फ़ोन करना, ये राम को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट 10,000 रुपये लेने थे राम को, तो राम उसे फ़ोन करता था, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता, कट कर देता या फिर रिसीव नहीं करता। तो एक दिन राम शाम के घर पे गया, शाम अंदर ही था, बट उसके बीबी ने बोला कि शाम अभी नहीं है, बाहर गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। अब जैसे शाम रेगुलरली राम के दुकान से होके फिर घर पे जाता था, अब ऐसा होने लगा शाम दूसरे रास्ते से अपने घर पे जाने लगा, मतलब अवॉइड करने लगा। ऐसे में राम और शाम दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे थे। राम ने तो बहुत ट्राई किया बट शाम नहीं आ रहा था। एक दिन आ गया तो शाम और राम के बीच में थोड़ी सी बातें हो गई, और बातें होते 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 झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो डेफिनेटली राम ने शाम के ऊपर पुलिस केस कर दिया। पुलिस केस हो गया तो कोर्ट में हाजिर हो गई, और कोर्ट में जब हाजिर हुआ तब वहाँ पे राम को पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि शाम ने आपके पास से माल परचेस किया था। शाम होशियार था, शाम ने पहले ही बोल दिया कि मैंने इसके पास से कुछ लिया ही नहीं। अब राम तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। तो राम ने उसे बोला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, बट शाम फ्री हो गया उससे, क्योंकि कोर्ट में जब भी रिक्वायरमेंट होता है एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और एविडेंस अगर नहीं है तो डेफिनेटली कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए उन दोनों का जो केस था वो खारिज किया गया, मतलब वो केस रद्द हो गया। अब यही स्टोरी अगर वापस से सुने तो यहाँ पर नुकसान हो गया है राम का, और नुकसान अगर नहीं होना था तो राम ने डेफिनेटली करना चाहिए था, एक कुछ तो लिख के रखना चाहिए था, और जिसके ऊपर शाम भी एग्री हो ऐसा वहाँ पे शो होना चाहिए था। ठीक, अब यही स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट में वापस। अब राम सेलर है, शाम परचेसर है, राम माल बेचेगा और शाम परचेस करेगा, बट राम होशियार हो गया। अब ये दूसरा पार्ट है, पहले स्टोरी से यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। जब भी राम किसी को माल सेल करता था ऑन क्रेडिट, तो ऐसा लिख के रखता था, और लिखने के बाद सिग्नेचर भी लेता था,
श्याम की या जिससे भी वो सेल करता था। अब यहाँ पर श्याम ने वापस उसके पास से 10,000 रुपये का माल परचेस किया और बोला कि 3 महीने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा। राम बोला ठीक है बट रुक हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे राम ने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में लिखा कि श्याम मुझे 3 महीने के बाद पैसा देगा। ठीक हो गया फाइनल। तो राम ने उसे माल दिया और श्याम ने उसे सिग्नेचर कर दिया उस डॉक्यूमेंट को। अब अगर 3 महीने के बाद श्याम आनाकानी करे पैसे देने के लिए कि 3 महीने नहीं मैंने 4 महीने बोला था, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता कि मैंने लिया ही नहीं है, जबकि राम ने उसके तरफ से जो डॉक्यूमेंट बनाया था उस डॉक्यूमेंट के ऊपर श्याम का भी सिग्नेचर है और राम का भी सिग्नेचर है। अब यहाँ पर अगर श्याम बोलेगा अगर मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो राम डेफिनेटली कोर्ट में जाके केस फाइल करेगा और एविडेंस दिखा सकता है कि ये देखिए श्याम का सिग्नेचर यहाँ पर है, इसके लिए श्याम तो ऐसा बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जब 3 महीने खत्म हो गए तो राम उसे रिमाइंड करेगा, श्याम क्या करेगा अपना सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट लेगा और उसके अगेंस्ट श्याम क्या करेगा राम को 10,000 रुपये पे कर देगा। मतलब 3 महीने के बाद जो कमिटमेंट हुआ था पैसे देने का वो फुलफिल हो गया है। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है उस डॉक्यूमेंट का नाम हमें देखना है। सेलर परचेसर, उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये डॉक्यूमेंट जो राम ने प्रिपेयर किया था 3 महीने के बाद श्याम उसे पैसा देगा और राम ने भी सिग्नेचर किया था और श्याम ने भी सिग्नेचर किया था, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, तो ये तो हमने थोड़ा शॉर्ट में देख लिया कि ये प्रिपेयर कौन करता है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मैटर लिखा गया है ये मैटर कौन लिखता है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए छोटा सा डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्ट फॉलो किया जाता है, उस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 1881 में डेवलप हुआ है। तो एज पर एक्ट 1881 इंस्ट्रूमेंटल एक्ट है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल डेफिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इसमें लिखा जाएगा कि क्या ड्यूरेशन है, कितने अमाउंट का है, कौन देगा कौन लेगा, ये सब उसमें लिखा जाता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ऑर्डर होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब यहाँ पे राम श्याम को बोलता है कि तू मुझे पैसे देना, मतलब राम श्याम को दे रहा है यहाँ पर एक ऑर्डर। साइन बाय अ मेकर, इसके ऊपर मेकर का साइन होता है। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, एक सर्टन पर्सन के ऊपर निकाला जाएगा, सर्टन अमाउंट के लिए निकाला जाएगा। और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, या फिर ऑर्डर दिया जाएगा उस पर्सन को। और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये बेरर भी हो सकता है, बेरर मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे राम से पैसे, राम मैं हूँ और मुझे पैसे लेने हैं श्याम से, तो ऐसा भी हो सकता है कि राम को किसी तीसरे पर्सन को पैसे लेने हैं, तो उस टाइम श्याम के पास से पैसा आएगा और वही पैसा राम क्या करेगा उस थर्ड पर्सन को दे देगा। बट ऐसा भी होगा कि राम श्याम को ही ऑर्डर दे देगा कि मुझे पैसा मत दे, उस थर्ड पर्सन को पैसा दे। तो ऐसा एक सिंपल डेफिनेशन था, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आपके नोटबुक में भी है, तो आप उसे प्रॉपरली नोट्स फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए आपके रजिस्टर में। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके कुछ फीचर्स हमें देखते हैं, सिंपल है, एक एक पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें।
पेन। इट शुड बी राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पिलॉप एक्सचेंज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये राइटिंग में होना चाहिए, ये ओरली नहीं होता है। सेकंड, इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ये डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया था राम की तरफ से, तो ये डॉक्यूमेंट राम जब भी प्रिपेयर करेंगे कोई ब्लैंक पेपर के ऊपर नहीं करेगा। अगर कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस टाइम राम इसे एज एविडेंस करके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है, बट तब एविडेंस बोला जाएगा जब ये स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये स्टैम्प पेपर के ऊपर ही प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक पेपर के ऊपर है तो उससे कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। नॉट फॉर इट मस्ट बी डेटेड, डेफिनेटली इसके ऊपर डेट लिखा रहेगा कि कब पैसा मिलने वाला है और कब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो डेट होगी, एक तो डेट ऑफ बिल जिस डेट में ये प्रिपेयर हुआ है और कौन से डेट में ये पैसा मिलने वाला है। ठीक। अब फोर्थ पॉइंट, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ये जो ऑर्डर होता है ये अनकंडीशनल होगा, मतलब राम ने जो कंडीशन डाली है उसे श्याम एग्री होने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू अ सर्टन पर्सन और हीज ऑर्डर टू द बेयरर ऑफ बिल। तो यहाँ पर ये जो बिल का पेमेंट होगा एक तो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा या फिर एक बेयरर ऑर्डर होगा, तो ये एक पर्सन की तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर इजिली हो सकता है। नेक्स्ट नंबर सिक्स, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। इस ऑर्डर में एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में लिखा जाएगा। ठीक, तो ये सर्टन अमाउंट के लिए ही प्रिपेयर होगा। उस बिल में जो अमाउंट लिखा रहेगा उतना ही अमाउंट पे करना रहेगा ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। नंबर सेवन, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। इसके ऊपर मेकर का साइन होना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। जैसे मैंने राम श्याम का नाम लिया था, ऐसे कितने सारे पर्सन इस बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज है। पहला है ड्रावर। ड्रावर मतलब ऐसा पर्सन जो ये बिल, बिल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, जब भी बिल की बात होने वाली है बिल ऑफ एक्सचेंज की, अगर मैं वर्ड बिल बिल बोलूँ तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं बिल मतलब क्या है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला पार्ट आता है ड्रावर, सेकेंड थिंग ड्रावी, एंड थर्ड इज पे। ड्रावर, ड्रावी एंड पे, सो देर आर थ्री पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि डॉट डॉट पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है आपका 3। इसमें फर्स्ट पार्ट है ड्रावर, सेकेंड इज ड्रावी एंड थर्ड इज पे। सो ड्रावर मतलब ऐसा पर्सन जो बिल ड्रॉ करता है। अब ड्रॉ करता है मतलब डेफिनेटली हमने जो पहले स्टोरी देखा था उस स्टोरी में राम ने बिल ड्रॉ किया था, सो राम ये हो गया ड्रावर। तो जो बिल ड्रॉ करता है उस पर्सन को बोला जाता है ड्रावर। ठीक, सेकंड ड्रावी, ड्रावी मतलब हु एक्सेप्ट द बिल। अब मैं अगर राम हूँ और श्याम कोई पर्सन है जिसको मैंने माल बेचा है या फिर उससे पैसे लेने हैं, तो मैं अगर बिल ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली मैं हो गया ड्रावर। तो मैंने 3 मंथ्स का 10,000 का बिल ड्रॉ कर लिया और मैंने सिग्नेचर भी कर दिया, मतलब मैंने 3 मंथ्स और 10,000 ये दोनों एग्री हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट आप उस पर्सन को देते हो जिससे पैसे आपको लेने हैं। तो ये पर्सन मतलब श्याम उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और रीड करने के बाद क्या करेगा, उसे
साइन करेगा। तो जब तक ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता है तब तक ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ड्राफ्ट। सो बिफोर एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट है, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोला जाएगा। अब हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि ड्रावी ने भी सिग्नेचर कर दिया, मतलब ड्रावी उस बात के लिए एग्री हो गया है, इसका एक सबूत रहेगा। ठीक, मतलब ड्रावी भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेगा और साइन कौन से डेट में किया है उस डेट को भी रिकॉर्ड करेगा। तो ड्रावर ने जब बिल ड्रॉ किया था तब आता है डेट ऑफ बिल, और ड्रावी जिस दिन उसे एक्सेप्ट करेगा, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, उसे बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ड्रावर, सेकंड ड्रावी, एक डेट ऑफ बिल और दूसरा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, चार बातें तो आपके सामने आ गई। ठीक, अब ये पे है को रिसीव्स द मनी। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि राम श्याम से पैसा लेने वाला है और राम को भी किसी को पैसा पे करना है, उस थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी मतलब पे ही रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं श्याम को बोल रहा हूं कि मुझे पैसे दे, पैसे, वो थर्ड पार्टी जिसका सपोज, ठीक है, थर्ड पार्टी पे, वो भी तो ड्राइवर को मतलब राम को बोल रहा कि मेरा पैसा दे। अब शाम की तरफ से पैसा आएगा, वही पैसा राम क्या करेगा, उस थर्ड पर्सन को देने वाला है। तो ये जो थर्ड पर्सन है उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ सही में राम मुझे पैसे देने वाला है या नहीं। तो राम ने क्या किया कि जो शाम की तरफ से डॉक्यूमेंट आया था सिग्नेचर करने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा राम को मिलने वाला था क्योंकि राम ने प्रिपेयर किया था, बट कब मिलने वाला है, ये तीन महीने के बाद। तो राम ने ऐसा किया कि ये जो डॉक्यूमेंट आया था शाम की तरफ से बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही मैंने क्या किया, मतलब राम ने क्या किया, उस थर्ड पर्सन को दे दिया कि बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपको शाम पैसा दे देगा। मतलब ये शाम को भी बोला जाएगा कि तू मुझे पैसा मत दे, उस पर्सन को पैसा दे, थर्ड पार्टी को। और ये थर्ड पर्सन जो रहेगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज में उसे बोला जाएगा पे। पे क्या करेगा, शाम की तरफ से पैसा रिसीव करेगा, इसके लिए वहां पे लिखा गया वो रिसीव्स द मनी, मतलब सबसे आखिरी में जो उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा रिसीव करेगा उस पर्सन को बोला जाता है पे। सो फर्स्ट पार्टी इज ड्रावर जो बिल ड्रॉ करता है, सेकंड पार्टी इज ड्रावी जो बिल एक्सेप्ट करता है, एंड थर्ड पार्टी सबसे लास्ट में जो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का पैसा रिसीव करेगा सबसे आखिरी में, उस पर्सन को बोला जाता है पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज है, एक ड्रावर, ड्रावी एंड पे। पे मतलब जो राम की तरफ से पैसा लेने वाला था, देयर आर थ्री पार्टीज। सबसे पहले ड्रावर, ड्रावर मतलब कौन, तो जो बिल ड्रॉ करने वाला है, और ड्रॉ कौन करेगा, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा लेना है। तो यहां पर एक सिंपल डेफिनेशन है उसका, ड्रावर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइन ऑन इट। ड्रावर एक पर्सन है जो बिल ड्रॉ करेगा और उसके ऊपर सिग्नेचर भी करेगा, इज द क्रेडिटर who is entitled to receive the money from debtor। creditor मतलब राम और debtor मतलब श्याम, मतलब राम के लिए श्याम debtor है ना, debtor मतलब जिसके पास से पैसे हमें मिलने वाले हैं। for the drawer the instrument is his bill receivable since he has to receive the amount of bill। ड्रावर के लिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो नाम रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को ये बुलाएगा बिल रिसीवेबल के नाम से। ड्रावर इस डॉक्यूमेंट को बोलने वाला है बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों, क्योंकि पैसा मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, तीन महीने के बाद मिलने वाला है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड इज ड्रावी। ड्रावी कौन है,
Prabhu is the person on whom the bill is drawn. He has to accept the bill drawn on him. Prabhu एक person जिसके ऊपर ये bill draw किया गया था, मतलब श्याम. He has to accept the bill drawn on him. ये क्या करेगा? उस bill को accept करेगा. जब तक Prabhu उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब एक्सेप्ट करेगा कैसे पता चलेगा? साइन करेगा ना. तो जब तक Prabhu उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करता है, तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, उसे ड्राफ्ट बोला जाता है. ही इज द डेटर हु हैज टू पे मनी टू क्रेडिटर. ये एक पर्सन जो क्रेडिटर को पैसा देने वाला है. अब क्रेडिटर मतलब राम था, तो श्याम कौन हो गया? डेटर. For the Prabhu, the instrument is his bill payable. Prabhu के लिए इस document का second name आएगा bill payable. Driver के लिए हमने bill receivable देखा था, और Prabhu उस document को क्या बोलने वाला है? Bill payable. Payable क्यों? क्योंकि पैसा देने वाला है future में, 3 महीने के बाद पैसा देने वाला है. जो देने वाला है वो बोलेगा bill payable, और जिसको मिलने वाला है वो बोलता है bill receivable. Since he has to pay the amount of bill, इस बिल का पेमेंट करने वाला है इसके लिए बिल पेबल, और ड्राइवर बिल का पैसा रिसीव करने वाला है इसके लिए बिल रिसीव. Now third part is pay. Pay simple. Pay is the person to whom the payment is to be made. जिस पर्सन को पेमेंट मिलने वाला है, मतलब जो आखिरी में सबसे लास्ट में पैसा रिसीव करेगा, उस पर्सन को बोला जाएगा पे. तो राम जिस थर्ड पर्सन को पैसा देने वाला था, थर्ड पर्सन मतलब पे हो गया. तो यहाँ पे 3 पार्टीज होती है. फर्स्ट इज ड्राइवर, सेकंड इज Prabhu, एंड थर्ड इज पे.